नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एबो और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे वीपी का टेक बैंक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि चेकबुक कैसे भर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, चेक एक ही तरीके से नहीं भर सकते, उसको कई तरीकों से भरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले भरते हैं कैंसल चेक, फिर भरेंगे सेल्फ चेक, फिर भरेंगे अगर किसी को पेमेंट करनी है तो किसी और को हम कैसे चेक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग हैं जो चेक थ्रू पेमेंट आज भी करते हैं। ओके, क्योंकि चेक थ्रू पेमेंट करना उनको ज्यादा सही लगता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बेटर। तो इसी वजह से लोग ज्यादा चेक थ्रू पेमेंट करते हैं। मतलब जब भी कोई बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो तो वो चेक थ्रू पेमेंट करना ज्यादा सेफ समझता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि सही चेक भरने का तरीका क्या होता है और चेक भरते समय हमको क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेक में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है आपका आईएफएससी कोड, जो कि आपका ब्रांच कोड होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है डेट। ठीक है, यहाँ पर पे में आपको जिसको भी पेमेंट करनी है उसके अकाउंट में जो भी नाम है वो यहाँ पर पे में लिखना होता है। ठीक है, देन यहाँ पर रुपीज, जो कि वर्ड में लिखा जाता है। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अमाउंट डिजिट्स में लिखनी होती है। ठीक है, देन यहाँ पर होता है आपका अकाउंट नंबर, जो भी आपका ब्रांच का चेक है उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे के साइड में आपको ये जो नेम लिखा होता है आपका, तो इसके ऊपर आपको साइन करनी होती है। ठीक है, जब तक आप सिग्नेचर नहीं करते और डेट नहीं डालते तब तक वो चेक वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, और डेट लिखने के बाद वो चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, 3 महीने से एक भी दिन ऊपर हुआ तो वो चेक अनवैलिड माना जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर होता है चेक नंबर, MICR कोड, अकाउंट ID विथ RBI। ठीक है, और यहाँ पर होता है ये जो 2 अक्षर का है ये ट्रांजेक्शन कोड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं चेक थ्रू, तो आप चेक नंबर पहले ही अपने पास लिख कर रखें। अगर आपको वो पेमेंट नहीं करनी है तो चेक नंबर से आप पेमेंट को स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैंसल चेक होता क्या है। ठीक है, कैंसल चेक होता है आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, मतलब सच में आपका अकाउंट नंबर है या नहीं बैंक में। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि आपका ब्रांच कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होता है, आपकी ब्रांच कौन सी है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, ये सब जानने के लिए आपको कैंसिल चेक मांगा जाता है। ठीक है, वैसे तो हम टाइप करके भी अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कौन सी बैंक में अकाउंट है ये सब देख सकते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को ट्रस्ट होना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पर कैंसिल चेक मांगा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, कैंसिल चेक भरना किस तरह से है, यहाँ पर आपको बस 2 लाइन खींच देनी है और उसके बीच में लिख देना है कैंसल्ड। ठीक है, कैंसल्ड लिखने के बाद वो कैंसल चेक बन जाता है, वही कैंसल चेक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे कि सेल्फ चेक किस तरह से भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्फ चेक खुद ही अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने के लिए भरा जाता है। ठीक है, तो सेल्फ चेक भरना कैसे है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। ठीक है, देन यहाँ पर पे में लिखना है सेल्फ। ठीक है, देन यहाँ पर ऐसी लंबी लाइन मार देनी है। ठीक है, ताकि मिसलीडिंग ना हो सके उससे। यहाँ पर भरते हैं देन रुपीज। ठीक है, रुपीज अक्षरों में लिखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 6000 ओनली। ठीक है, और यहाँ पर ये रुपीज होता है, इसको चिपका के थोड़ा, मतलब यहाँ पर कोई मिसलीडिंग ना हो सके उसी वजह से, लेकिन स्पेस भी देनी है। ठीक है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, देन यहाँ पर 6000 ओनली लिखने के बाद हम फिर से लाइन मार देंगे। यहाँ पर डबल लाइन मारने के बाद यहाँ पर अमाउंट इन फिगर लिखेंगे, मतलब डिजिट्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6000 लिखा है, देन यहाँ पर ओनली का सिंबल दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर थोड़ा ब्लर करके रखा है ताकि आप देख ना सके मेरा अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पर नीचे नेम होता है, तो नेम के ऊपर में आपको साइन कर देनी होती है। ठीक है, जैसे आप साइन कर देंगे तो वो चेक वैलिड हो जाएगा। ये डेट लिखने के बाद वो चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, यहाँ पर लिखा गया है ऊपर में केवल 3 महीने के लिए वैध। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ चेक भरने का तरीका, आप खुद के अकाउंट से खुद ही चेक से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि किसी और को अगर हमको चेक देना है तो वो चेक हम किस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को चेक देते हैं तो उसको अकाउंट पे ही चेक दे। ठीक है, ताकि वो अपने अकाउंट में ही रिडीम कर पाए। ठीक है, देन यहाँ पर आपको डाल देनी है डेट। ठीक है, डेट डालने के बाद वो चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है। ठीक है, देन यहाँ पर पे के सामने आपको जुड़कर एकदम
उसके अकाउंट का नाम लिख देना है, ठीक है, मतलब जिस अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है पे के सामने, ठीक है। देन यहाँ पर रुपये, ठीक है, रुपये के सामने आपको अमाउंट डाल देनी है अक्षरों में लिखकर, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट एकदम चिपका कर डालनी है ताकि चेक का मिसलीडिंग ना हो सके, ठीक है। देन यहाँ पर 10,000 ओनली लिखा है और उसके सामने लाइन खींच देनी है, ठीक है, ताकि उसके बाद वहाँ पर कुछ मिसलीडिंग ना हो, ठीक है। देन यहाँ पर बॉक्स में आपको लिख देना है अमाउंट इन फिगर, ठीक है, मतलब यहाँ पर डिजिट्स में लिख देना है और यहाँ पर ओनली का सिंबल लिख देना है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे के साइड में होता है आपका नाम लिखा हुआ, ठीक है, तो नेम के ऊपर आपको साइन कर देनी है अपनी, ठीक है। साइन करने के बाद आपका चेक वैलिड माना जाएगा। फ्रेंड्स प्रॉपर चेक भरने का तरीका यही होता है, ओके। सो मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी पूरी समझ में आ चुकी होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं बैंकिंग रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। सर्च करते रहो वीपी का टेक बैंक।